आज आज वाली क्लास में हम भारत में जो क्लासिकल डांस होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्लासिकल डांस जो हैं वो बहुत पुराने होते हैं, जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इनके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि क्लासिकल डांस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है। इन्फॉर्मेशन मिलती है, भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र लिखा है। नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि क्लासिकल डांस जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और ये 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। एक देखो, एक प्रकार का डांस होता है जो लाश से होता है और दूसरा होता है तांडव। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक होता है सरल रूप जो धीरे धीरे किया जाता है, जिसमें लालित्य, भाव, रस, अभिनय सारी चीजें होती हैं, और एक होता है जो ताल और गति के साथ किया जाता है, स्पीड में किया जाता है। तो लाश और तांडव दो आधारभूत चीजें मानी जाती हैं क्लासिकल डांस में। एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। जो नारी जिस चीज को करती है वो लास होता है और जिसे नर करता है वो तांडव होता है। शिव ने तांडव, अगर आपने नटराज की मूर्ति देखी हो तो नटराज मूर्ति जो जुड़ती है शिव की, वो तांडव से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? तांडव से जुड़ती है। नटराज की जो मूर्ति है वो तांडव की मुद्रा में है और इसमें गति होती है, इसमें बल होता है, ठीक है। जबकि भाव, रस और अभिनय कहाँ होता है? वो लास में होता है। जिन दोनों चीजें जिस क्लासिकल डांस में, जिस भी डांस में मिल जाए, भाव भी देखने को मिले, रस भी देखने को मिले, अभिनय भी देखने को मिले, गति भी देखने को मिले, ताल भी देखने को मिले, ये सारी चीजें जिसमें मिलती हैं उसे क्लासिकल डांस कहा जाता है। और क्लासिकल डांस की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। और कितने क्लासिकल डांस हैं? संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 क्लासिकल डांस स्टाइल हैं। कितने हैं? 8। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा और सात्रिया असम। ये 8 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं, जिनकी जानकारी नाट्य शास्त्र से हमें मिलती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो क्लासिकल डांस हैं, ये जो क्लासिकल डांस हैं, कई बार आपसे वो ये भी पूछते हैं कि किस राज्य में होते हैं। केरल में होते हैं 2। आपको यहाँ पे कथकली दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कथकली आपको यहाँ पर दिख रहा है बेहतरीन तरीके से, और मोहिनीअट्टम, ये केरल में होते हैं। उड़ीसी उड़ीसा में होता है, मणिपुरी मणिपुर में होता है, सात्रिया असम वाला। याद रखना, असम में कौन सा क्लासिकल डांस किया जाता है? असम में सात्रिया किया जाता है। सबसे प्राचीन कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु। कथक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश। कथकली केरल, आंध्र प्रदेश का। याद रखना, आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? कुचिपुड़ी होता है। तो टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं? टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। आप यहां पर देखें, अभी हमने बात करी कि क्लासिकल डांस जो हैं उसमें जानकारी हमें किससे मिलती है। क्लासिकल डांस की जानकारी हमें नाट्य शास्त्र से मिलती है। किससे मिलती है? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम है भरत मुनि। अब क्लासिकल डांस में 2 आधारभूत तत्व होते हैं। क्लासिकल डांस में 2 आधारभूत तत्व होते हैं। एक होता है लास्य, एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। एक क्या होता है? तांडव, जिसमें आपको भाव, रस और अभिनय देखने को मिले उसे कहा जाता है लास्य, और जिसमें आपको ताल और गति देखने को मिले वो होता है तांडव। नटराज की जो शिव की मूर्ति है वो किस मुद्रा में है? तांडव की मुद्रा में। किस मुद्रा में है? तांडव की मुद्रा में। क्लासिकल डांस टोटल कितने होते हैं? क्लासिकल डांस टोटल वर्तमान भारत में 8 होते हैं, जिसमें से केरल में कितने होते हैं? केरल में होते हैं 2। एक का नाम है कथकली
और एक का नाम है मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु में कौन सा होता है? तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। तमिलनाडु में कौन सा होता है? भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन वाला है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? कुचिपुड़ी। उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है? यूपी में होता है कथक। यूपी में कौन सा होता है? कथक। मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में उड़ीसी और असम में होता है सात्रीय। असम में कौन सा क्लासिकल डांस होता है? सात्रीय क्लासिकल डांस होता है। ठीक है, तो ये आठों के आठ जो है क्लासिकल डांस के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। अब इनके कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उनको जानने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको तीन क्वेश्चन के जवाब देने हैं जो आपसे पूछे जाएं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है असम का शास्त्रीय नृत्य। असम में कौन सा क्लासिकल डांस होता है ये आपको बताना है, असम का शास्त्रीय नृत्य। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको बताना है वो आपको बताना है कि कुचिपुड़ी कहाँ होता है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? कुचिपुड़ी कहाँ होता है? ये चौथा चौथा क्वेश्चन आपको बताना है उड़ीसा का क्लासिकल डांस। उड़ीसा का क्लासिकल डांस शास्त्रीय। बढ़िया, बहुत सारे साथी हमारे जवाब कर रहे हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर आप लोगों ने बढ़िया दिया है, सही जवाब है क्लासिकल डांस जो नाट्य शास्त्र है उसके लेखक का नाम है भरत मुनि। किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। असम का क्लासिकल डांस सात्रिया है। असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? सात्रिया। कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। और उड़ीसा में कौन सा होता है? उड़ीसा में होता है उड़ीसी। हाँ ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राजकुमारी भाई क्या उन्होंने कर दिया राजकुमार चेक कर रहा अब यहां पे देखें, भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम लगभग 2000 साल पहले से किया जा रहा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। सबसे प्राचीन, अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, तो आपका जवाब होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। इसमें भरतनाट्यम में मूल रूप से तीन मूल भाव शामिल हैं, मन, स्थिति, राग और संगीत। मन, स्थिति, राग और संगीत, ताल और काल, समंजन, इन तीन चीजों की मूल रूप से काम किया जाता है। मन स्थिति एक है, मना स्थिति दूसरा है, राग और संगीत तीसरा है, ताल और काल सामंजन। ये तीन चीजें मिलकर जब होता है तो इसमें क्लासिकल डांस में ये चीजें करी जाती हैं। देखो, इससे अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि तिल्लाना, तिल्लाना जो चीज है वो किस डांस से संबंधित है? वो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर किसी ने डांस किया हो तो भरतनाट्यम की शुरुआत जो होती है वो आला रिप्पू से होती है। मतलब जब भरतनाट्यम किया जाता है तो आला रिप्पू से शुरुआत होती है और एंड किया जाता है तिल्लाना से। भरतनाट्यम करते समय स्टार्टिंग में होता है आला रिप्पू और एंड में होता है तिल्लाना। इस डांस को कहा जाता है भरतनाट्यम। और कितने मूल भाव हैं? तीन मूलभूत भाव होते हैं, एक मना स्थिति, दूसरा राग और संगीत, तीसरा ताल और काल। ये तीन भाव होते हैं और आला रिप्पू से शुरू होता है ये डांस और खत्म कहाँ होता है? तिल्लाना पे खत्म होता है। हम बात कर रहे हैं भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम के बारे में
ये मूल बातें याद रखना। इसमें बांसुरी, मृदंग, वीणा, करताल इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते जाइए कि आप लोग क्या क्या बातें याद रखेंगे। भरतनाट्यम के बारे में, भरतनाट्यम एक तो सबसे पुराना है ना, तमिलनाडु में किया जाता है। और ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू होने, जब भरतनाट्यम शुरू किया जाता है उसे कहा जाता है आला रिप्पू। उसे क्या कहा जाता है? आला रिप्पू। और अंत किससे होता है? भरतनाट्यम का अंत होता है तिल्लाना से। ये स्थितियां कहलाती हैं, मुद्राएं कहलाती हैं। तो ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, जब आप और अंदर क्लासिकल डांस वगैरह को पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आलारिप्पु मुद्रा से शुरू होता है, तिल्लाना मुद्रा से खत्म होता है। भरतनाट्यम की बात है। मूल भाव कितने होते हैं? तीन मूल भाव होते हैं। तीन, भरतनाट्यम में तीन मूल भाव होते हैं। पहला मूल भाव है मन स्थिति या मनः स्थिति। दूसरा मूल भाव है राग और संगीत, राग और संगीत। तीसरा वाला जो है उसे कहा जाता है, तीसरे वाले को कहा जाता है, याद रखना, ताल और काल। ताल वा कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है भरतनाट्यम में? वाद्य यंत्र जो होते हैं, बांसुरी होती है, वीणा होती है, मृदंग होती है और करताल होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। फिर भरतनाट्यम के बाद होता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का क्लासिकल डांस है। और मोहिनी का रूप किसने धारण किया था? याद रखना, ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भस्मासुर का वध करने के लिए मोहिनी का भेष धारण किया था विष्णु ने। आपसे अगर पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम कहाँ पर होता है, मोहिनीअट्टम केरल में होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी का रूप किसने धारण किया था? विष्णु ने किया था। किसका वध करने के लिए? भस्मासुर का वध करने के लिए। याद रखना, मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। और मोहिनी का रूप किसने धारण किया था? मोहिनी का रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। मोहिनी अट्टम पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु ने समुद्र मंथन के समय भस्मासुर के वध के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। केरल के मंदिरों में, केरल के मंदिरों में कौन सा डांस होता है? केरल के मंदिरों में मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। ये नारी प्रधान नृत्य है। कौन सा प्रधान नृत्य है? नारी प्रधान नृत्य है। अगला, कथकली भी केरल में किया जाता है। कथकली जो है ये एक राज्य के समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली, या कथकली का अर्थ होता है एक कथा को नाटक या नृत्य की नाटिका। एक कथा को नाटक या नृत्य के माध्यम से समझाना क्या कहलाता है? कथकली। कथकली में रामायण, महाभारत और पौराणिक चित्रों का अभिनय किया जाता है। याद रखना, एक बार पूछा गया था कि बड़ा सा मुखौटा लगाकर रंग बिरंगा चेहरा बनाकर कौन सा डांस किया जाता है? रंग बिरंगा चेहरा, रंगीन चेहरा बनाकर शानदार वेशभूषा के माध्यम से कथकली किया जाता है। मानव, देवता और दैत्य, मानव, देवता और दैत्य की परिधान और वेशभूषा तैयार की जाती है। देखो पहले ये सिर्फ ये पुरुष करते थे। कथकली पहले सिर्फ क्या करते थे? सामान्यतः ये पुरुषों के द्वारा, पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते थे, लेकिन अब महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा है। पहले कथकली में पुरुष का रूप भी पुरुष करते थे और महिला का रूप भी पुरुष ही धारण करते थे, लेकिन अब महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा है। इस बात को आप याद रखेंगे, पहले ये पुरुष प्रधान था कथकली। आपसे बोला जाए कथकली में कौन कौन से किरदारों को निभाया जाता है? रामायण के किरदार, महाभारत के किरदार और अन्य पौराणिक कथाओं के किरदार। अगला जो है वो है मोहिनीअट्टम, तो यहाँ पे है कथक। कथक आपको अभी बताया, कथक जो है वो, सॉरी, कथकली बताया। कथक होता है यूपी में। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है।
जिसका अर्थ है कहानी से। इसका आरंभ एक मौखिक परंपरा से हुआ है। कथाकार वे लोग होते हैं जो पर्याय, पौराणिक कथाएं, महाकाव्य और दंत कथाओं को एक प्रकार से कथक में किसी कहानी को डांस के माध्यम से कहा जाता है। कथक में किसी कहानी को डांस के माध्यम से कहा जाता है। एक बहुत अच्छी फिल्म है माधुरी दीक्षित की, उसमें उन्होंने कथक किया है, वो याद नहीं आ रहा है ना, ओरे पिया ऐसे कोई गाना है, उसमें भी कथक हुआ है। बहुत सारी कथक के लिए प्रसिद्ध नृत्यकार थे, बिरजू महाराज जो है वो बहुत गजब का कथक करते थे। ठीक है, तो कथक में एक पूरी स्टोरी को कहा जाता है। कथक यूपी में होता है। फिर कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में होता है। इसमें क्या किया जाता है, नृतक सिर पर पानी से भरा घड़ा लेकर शरीर को संतुलित करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्लासिकल डांस कौन सा है जिसमें कर्तव्य दिखाया जाता है सिर पर पानी से भरा घड़ा रखकर? तो आपका जवाब होगा कुचिपुड़ी। और पीतल की थाली की किनारी पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। पैरों के संतुलन को, शरीर के संतुलन को पीतल की थाली और भरे हुए मटके के साथ नृत्य में दिखाया जाता है। ये वाला नृत्य होता है कुचिपुड़ी। फिर उड़ीसी नृत्य जो होता है, ये प्रेम भाव और देवता और मानव और संसार की चीजों को दिखाता है। उड़ीसा में किया जाता है। इसमें चेहरे, हस्त मुद्राएं, शरीर की गतिविधियां एक सुनिश्चित अनुभूतिमय संकेत के माध्यम से दिखाई जाती हैं। उड़ीसा में उड़ीसी क्लासिकल डांस किया जाता है। यह नृत्य गायन उड़ीसी प्रेम और भाव, देवता और मानवता से जुड़ी सांसारिक और लोकोत्तर नृत्य से जुड़ी चीजें हैं। संसार भी दिखाया जाता है, प्रेम भी दिखाया जाता है, देवताओं को भी दिखाया जाता है। ये वाला क्लासिकल डांस होता है उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ होता है? उड़ीसा में। मणिपुरी कहाँ पे होता है? याद रखना, ये धीमी गति से किया जाता है, मनमोहक भुजाओं के साथ। मणिपुरी, मणिपुरी भी विष्णु से जुड़ता है। मणिपुरी भी किससे जुड़ता है? विष्णु जी से जुड़ता है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में दो बातें याद रखना, ये असम में होता है और इसके संस्थापक का नाम है शंकर देव। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक का नाम क्या है? महान संत शंकर देव जो हैं, वो शास्त्रीय नृत्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? शंकर देव जी को दिया जाता है। तो टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब अगर आपने चीजें ध्यान से सुनी हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, उनके जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और जवाब करें। पहले नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डालते जाएं कि आप किस नंबर का जवाब कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य का रूप निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित हुआ? मोहिनीअट्टम कहां पे विकसित हुआ है? बढ़िया बढ़िया, मोहिनीअट्टम जो है बिल्कुल बढ़िया, केरल। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है। और कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? बढ़िया, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्रा, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बी बिल्कुल बढ़िया जवाब होगा। पहले का जवाब आप लोगों ने केरल दिया है, बढ़िया, और दूसरे का जवाब आंध्रा है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से उत्तर कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस कौन सा है? बढ़िया, नॉर्थ इंडिया के लोग करते हैं, उत्तर प्रदेश में कथक होता है। कौन सा होता है?
नॉर्थ इंडिया में होता है कथक। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली कहाँ होता है? बढ़िया, कथकली किया जाता है केरला में। कथकली कहाँ पे किया जाता है? कथकली किया जाता है केरला में। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? ईस्टर्न इंडिया का क्लासिकल डांस कौन सा है? पूर्वी भारत का कौन सा है? बड़ी याद रखना, पूर्वी भारत का जो है वो मणिपुरी है। कौन सा है? मणिपुरी। अभी हमने बात करी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस जो है वो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य किसे कहा जाता है? ये याद रखना, देव नृत्य जो है देव नृत्य कहा जाता है कुचिपुड़ी डांस को। किस डांस को कहा जाता है? देव नृत्य जो है कुचिपुड़ी डांस को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का क्लासिकल डांस है? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ये सभी जो हैं ये सभी के सभी क्लासिकल डांस हैं। निम्न में से कौन सा क्लासिकल डांस है? चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस है? इसमें से मणिपुरी जो है वो क्लासिकल डांस है, बाकी जो है वो लोक नृत्य है। अगला, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन है भरतनाट्यम। और गरीबों की कथकली के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की कथकली जो है, गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है ओटम तुल्लन। किसे जाना जाता है? ओटम तुल्लन को जाना जाता है। अब यहां पर भारत के और क्लासिकल डांस, सॉरी फोक डांस दिख रहे हैं इस वाले चित्र में। आपको भारत के बहुत सारे फोक डांस दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कर्नाटका। कर्नाटका में होता है यक्षगान। कर्नाटका में कौन सा होता है? कर्नाटका के क्लासिकल डांस का नाम है, सॉरी फोक डांस। कर्नाटका का फोक डांस कौन सा है? कर्नाटका में जो फोक डांस होता है उसे हम यक्षगान कहते हैं। कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य होता है? यक्षगान होता है। गुजरात में कौन सा होता है? गुजरात में तो सबको पता है, गुजरात में होता है गरबा। महाराष्ट्र में कौन सा होता है? महाराष्ट्र में होता है लाबड़ी। महाराष्ट्र में कौन सा होता है? महाराष्ट्र में लाबड़ी होता है या तमाशा होता है। लाबड़ी या तमाशा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। जाबरो होता है लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा होता है? लद्दाख में होता है जाबरो। लद्दाख में होता है जाबरो। जम्मू कश्मीर में होता है राउफ। जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है? जम्मू कश्मीर के क्लासिकल डांस का नाम है राउफ, ठीक है। और असम में होता है सात्रिया। अरुणाचल प्रदेश में होता है छाम। अगर आपसे पूछा जाए छाम क्लासिकल डांस कहाँ पे हो, सॉरी लोक नृत्य कहलाते हैं ये, छाम होता है अरुणाचल प्रदेश में। छऊ कहाँ पे होता है? छऊ होता है बिहार में। बिहार में कौन सा होता है? बिहार में होता है छऊ। अरुणाचल प्रदेश में छम, बिहार में होता है छऊ। ये कर्नाटक में होता है यक्षगान, महाराष्ट्र में होता है तमाशा, उत्तर प्रदेश में होता है नौटंकी। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में होता है नौटंकी। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। राजस्थान, राजस्थान में होता है घूमर और काल बेलिया। आपसे बोला जाएगा काल बेलिया कहां पर किया जाता है? तो काल बेलिया किया जाता है राजस्थान में। काल बेलिया कहां पर किया जाता है? राजस्थान। भंगड़ा कहां पर किया जाता है? भंगड़ा किया जाता है, याद रखना, पश्चिम बंग सॉरी पंजाब में। भंगड़ा कहां पर होता है? भंगड़ा होता है पंजाब में। अब आपने वहां पे मैप में देखे, अब हम यहाँ पे देखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले लद्दाख की।
लद्दाख में कौन सा लोक नृत्य होता है? लद्दाख में होता है जाबरो। लद्दाख में कौन सा होता है? लद्दाख में होता है जाबरो। जबकि जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है राउफ। कौन सा होता है? राउफ। फिर यूपी में क्या होता है? यूपी में कत्थक के साथ होती है नौटंकी। यूपी में कत्थक के साथ क्या होती है? नौटंकी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है छाम। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है छाम। जबकि छऊ कहाँ पे होता है? बिहार में होता है छऊ। तमाशा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है तमाशा। लावड़ी भी कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। घूमर कहाँ पे होता है? राजस्थान में। और कालबेलिया कहाँ पे होता है? कालबेलिया जो है ये भी राजस्थान में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यक्षगान कहाँ पे होता है? यक्षगान होता है कर्नाटका में। यक्षगान कहाँ पर होता है? कर्नाटका में होता है यक्षगान। ठीक है, तो ये कुछ अपन कह सकते हैं फोक डांस हैं, तो इनके बारे में याद रखना। गरबा होता है महाराष्ट्र में, घूमर होता है राजस्थान में, भंगड़ा होता है पंजाब में, लद्दाख में होता है जाबरो, हिमाचल प्रदेश में होता है नाती। हिमाचल प्रदेश में कौन सा होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है नाती। हिमाचल प्रदेश का फोक नृत्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में होता है नाती। तो ये आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, कंफ्यूज मत होना बस। छत्तीसगढ़ में होता है पैंथी। छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है? छत्तीसगढ़ में होता है पैंथी। छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है? छत्तीसगढ़ में होता है पैंथी। तो इसके, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगर आपको याद हुए हैं तो आपको जवाब करना है। सबसे पहले आपको जवाब करना है, छाम नृत्य कहाँ होता है? छाम नृत्य किस राज्य में होता है? फिर आपको बताना है बिहार का लोक नृत्य। तीसरा आपको बताना है यक्षगान कहाँ होता है? और चौथा आपको बताना है पैंथी कहां पर होता है? और पांचवा बताना है राजस्थान में कौन सा होता है? बढ़िया। छाम नृत्य कहाँ पे होता है? छाम नृत्य होता है अरुणाचल प्रदेश में, जैसा कि आप लोग जवाब कर रहे हैं। अरुणाचल बिहार में होता है छऊ। बिहार में होता है छऊ। यक्षगान कहाँ पे होता है? यक्षगान होता है कर्नाटका में। पैंती कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में होता है घूमर और कालबेलिया। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है। अब आप लोगों को एक एक व्यक्ति माइक चालू करेंगे और फिर जवाब करेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे। यस एक सेकंड, ये पीछे वाला बैकग्राउंड हटा दे वरना इसी में से क्वेश्चन पूछ के। आपको बताना है कि जो रंगीन मुखौटों के साथ नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? रंगीन मुखौटों के साथ मोहिनीअट्टम नहीं,
कथकली। हाँ कथकली किया जाता है। जो भरतनाट्यम जिस पे अंत किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तिल्लाना कहते हैं। और उड़ीसा में कौन सा क्लासिकल डांस होता है? ओडिसी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य होता है? नाती। और महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सर लावणी होती है और तमाशा भी होता है। ठीक है बढ़िया, कर लें बंद, बढ़िया। माइक ओपन करें कोई एक। जी सर, आपको बताना है कि कर्नाटका में कौन सा लोक नृत्य होता है? कर्नाटका में यक्षगान, और राजस्थान में? राजस्थान में कालबेलिया और घूमर, भांगड़ा। पंजाब में? जम्मू कश्मीर में? राउ छाम कहाँ होता है? छाम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बढ़िया, अब बेदी का बताएंगे। जी सर, आपको बताना है कि तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस किया जाता है? तमिलनाडु में भारतनाट्यम, और केरल के दो क्लासिकल डांस? कथकली और मोहिनीअट्टम। सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस किसे बोला जाता है? भारतनाट्यम छत्तीसगढ़ में कौन सा लोक नृत्य होता है? छत्तीसगढ़ में पेंथी, और गुजरात में? गुजरात में गरबा, उत्तर प्रदेश में कथक के अलावा क्या होता है? उत्तर प्रदेश में कथक, नौटंकी, तमाशा कहाँ होता है? तमाशा। तमाशा राजस्थान। नहीं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। लद्दाख में कौन सा लोक नृत्य होता है? लद्दाख में जावरा। जावरो बोलते हैं, जावरा। ठीक है बढ़िया, मिलते हैं फिर अपन, कल पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें।